हेलो क्लास 10th, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 में हमारा पार्ट बी चल रहा है। पार्ट बी का यूनिट नंबर 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेशन नंबर 5 दैट इज क्वेरीज इन अ बेस। अब इस सेशन में हमें क्वेरी विजार्ड के थ्रू हमें क्वेरी को क्रिएट करना है और डिज़ाइन व्यू में भी हमें क्वेरी को क्रिएट करना है, क्रिएटिंग अ क्वेरी इन अ डिज़ाइन व्यू और मोर ऑन रिकॉर्ड सिलेक्शन। तो ये सारी चीज़ें हमको क्वेरीज के लिए इस सेशन में पढ़ना है। तो सबसे पहली बात होती है कि क्वेरीज होते क्या है। क्वेरीज एक्चुअली एक स्टेटमेंट होते हैं जिनके थ्रू हम डेटाबेस से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डेटाबेस रिट्रीव कर सकते हैं, डेटा को अपडेट कर सकते हैं, डेटा की कोई वैल्यू डिलीट करनी, डेटाबेस की कोई वैल्यू डिलीट करनी, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं हम क्वेरीज के थ्रू, है ना। तो क्वेरीज के थ्रू हम जो है अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग, अपनी कंडीशन की, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करके रिट्रीव कर सकते हैं, शो कर सकते हैं डेटा को। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द क्वेरीज। क्वेरीज आर अ यूजफुल वे टू फाइंड, नो एंड एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस टेबल्स डिपेंडिंग अपॉन अ गिवन कंडीशन। तो हमने जो कंडीशन दी है, जैसे कि मुझे सिर्फ ए ग्रेड के स्टूडेंट का ही डेटा देखना है या फिर मुझे अबो 90% के स्टूडेंट का ही डेटा देखना है, तो जैसे हमारे रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेरीज को जनरेट करते हैं और डेटा डिस्प्ले करते हैं। नाउ दिस क्वेरी विजार्ड, अब हम क्वेरी विजार्ड के थ्रू जो है क्वेरी को क्रिएट करेंगे। द सिंपलेस्ट वे टू क्रिएट अ क्वेरीज इन अ ओपन ऑफिस बेस इज़ अ क्वेरी विजार्ड। बहुत ही ईजिएस्ट वे में अब विजार्ड के थ्रू जो है हम क्वेरी को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो क्वेरी को डिज़ाइन करने के स्टेप्स जो है हमें अभी पढ़नी है। तो क्वेरी को कैसे डिज़ाइन करेंगे, तो सबसे पहले जो है आपका जो विंडो होता है, आपका डेटाबेस विंडो होता है, वहाँ से आपको लेफ्ट पैन में जो आपके डेटाबेस ऑब्जेक्ट दिखते हैं, जैसे टेबल है, क्वेरी है, फॉर्म है, वहाँ से आपको क्वेरी को सिलेक्ट करना होगा। तो पहला स्टेप आपका वही होगा कि ओपन द डेटाबेस ऑन हूज टेबल्स यू वॉन्ट टू क्रिएट अ क्वेरी। पहले तो उस डेटाबेस को ओपन कर लीजिए जिसके ऊपर आपको एक क्वेरी क्रिएट करनी है, वो जिस टेबल पे आपको क्रिएट करनी है, ठीक है। उसके बाद में अब डेटाबेस विंडो में से आपको जो है जो क्वेरीज ऑब्जेक्ट है, लेफ्ट पैन में जो क्वेरीज ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, क्रिएट क्वेरी इन अ डिज़ाइन व्यू, उसके बाद आपको दिख रहा है यूज विजार्ड इन अ क्रिएट क्वेरी एंड क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू। तो आपको सिलेक्ट करना है यूज विजार्ड टू क्रिएट क्वेरी, है ना, क्योंकि हम विजार्ड के थ्रू जो है क्वेरी को क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके सामने ये क्वेरी विजार्ड का विंडो आएगा। इस क्वेरी विजार्ड के विंडो में आपको फील्ड सिलेक्शन करना होगा। तो यहाँ से जो है जिस टेबल पे आपको क्वेरी जनरेट करनी है वो टेबल आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। टेबल सिलेक्ट करने के बाद में आपको गिवन फील्ड आपके मतलब उस टेबल की सारी फील्ड्स आपके सामने आ जाएंगी। तो कौन से फील्ड आपको शो करनी है वो क्वेरी में डालनी, वो फील्ड आप यहाँ से सिलेक्ट करके इस एरो वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे, है ना। तो क्वेरी विजार्ड विल स्टार्ट, अब इसको हम क्वेरी विजार्ड करते हैं। यहाँ पे आपका क्वेरी विजार्ड स्टार्ट हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द टेबल्स ऑन विच यू वांट टू क्वेरी अपॉन। आपको जिस भी टेबल पे क्रिएट क्वेरी क्रिएट करना है उस टेबल को आप सिलेक्ट कर लीजिए, ओपन कर लीजिए। वी सिलेक्टेड द टेबल सप्लायर्स, अब यहाँ पे टेबल कौन सा सिलेक्ट किया है, सप्लायर सिलेक्ट किया है। एंड वी वॉन्ट टू लिस्ट ऑल द सप्लायर्स फ्रॉम द सिटी बैंगलोर, और यहाँ से हमको कौन से सप्लायर्स का डेटा देखना है जो कि बैंगलोर सिटी से है, है ना। आफ्टर सिलेक्टिंग द टेबल नेम सिलेक्ट द फील्ड फ्रॉम द लेफ्ट बॉक्स, यही चीज़ अभी मैंने बताया कि लेफ्ट बॉक्स से आपको फील्ड यहाँ से सिलेक्ट करना है। एंड विच यू वॉन्ट टू डिस्प्ले क्वेरी एंड क्लिक द एरो बटन, इस तरीके से फील्ड को आपको ऐड कर लेना है आपकी क्वेरी में। क्लिक ऑन डन, उसके बाद में अगर डन आपका ये कंप्लीट हो गया उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में इन द नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, अब आप देखेंगे सॉर्टिंग ऑर्डर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपको किस हिसाब से सॉर्टेड चाहिए है। सो यू कैन स्पेसिफाई द सॉर्ट ऑर्डर बाय सिलेक्टिंग द सॉर्ट फील्ड्स, है ना। तो यहाँ से आपको सॉर्टिंग ऑर्डर लेना है और सॉर्ट बाय, यहाँ से आपको फील्ड सिलेक्ट करना है, किस फील्ड, कौन से फील्ड को आप सॉर्टिंग के अकॉर्डिंग आपको दिखाना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। आप जानते होंगे असेंडिंग मतलब ए टू जेड एंड डिसेंडिंग मतलब जेड टू एड, है ना। उसके बाद नेक्स्ट यू नीड टू स्पेसिफाई द कंडीशन, उसके बाद में आपको जो है कंडीशन को ही स्पेसिफाई करना है, जैसे कि आपको सिटी बैंगलोर वाले ही डेटा आपको देखना है। तो टू और सर्च कंडीशन, देन सिलेक्ट द फील्ड द कंडीशन एंड स्पेसिफाई वैल्यू फॉर द कंडीशन अंडर वैल्यू,
उसके बाद में आपको कंडीशन देनी होगी, जैसे कि हमको हमारी कंडीशन क्या है कि हमें सिटी जो है वो बैंगलोर चाहिए है। ये देखिए आपको यहाँ दिख रहा है सर्च कंडीशन लिया। अब यहाँ से आपको जो फील्ड है फील्ड सेलेक्ट करना है। हमने फील्ड सेलेक्ट की सिटी और क्राइटेरिया कंडीशन क्या है आपकी इज़ इक्वल टू सिटी इक्वल टू बैंगलोर, तो वैल्यू आपकी बैंगलोर है ना। उसके बाद में नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। इन द नेक्स्ट स्टेप स्पेसिफाई द अलाइज नेम। अलाइज नेम मतलब जो भी फील्ड आपके शो होंगी क्वेरी में, तो उन फील्ड को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, अदरवाइज आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट स्टेप स्पेसिफाई द अलाइज नेम्स फॉर द वैल्यूज बीइंग डिस्प्ले, जो वैल्यूज आपकी डिस्प्ले हो रही है उनको आप अलाइज या अलाइज मतलब दूसरा नाम देना, सिर्फ शो होने के लिए, टेबल में चेंज नहीं होगा, सिर्फ शो होने के लिए उसको हम अलाइज करें। इफ़ यू आर ओके विद द डिफॉल्ट अलाइज नेम देन सिंपली क्लिक नेक्स्ट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं इसी नाम से, जैसे हमने सप्लायर नेम लिया है तो सप्लायर नेम एज इट इज़ आया अलाइज नेम, सिटी है तो सिटी का एज इट इज़ है, फ़ोन नंबर फ़ोन नंबर एज इट इज़ है। उसके बाद में अभी आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद लास्टली इट विल शो यू द ओवरव्यू ऑफ योर क्वेरी। अब ओवरव्यू मतलब आपकी क्वेरी कैसे दिखेगी वो आपको दिखाएगा। क्लिक द फिनिश हियर टू व्यू योर क्वेरी। अभी फिर यहाँ से ओवरव्यू सेलेक्ट करके आपको फिनिश पे क्लिक करना है ताकि आपकी क्वेरी अभी फाइनली डिस्प्ले हो जाए। फाइनली इट विल शो यू रिकॉर्ड्स मैचिंग द कंडीशन ऑफ योर क्वेरी। तो आपने क्वेरी क्या दिया था कि सिटी आपका बैंगलोर होना चाहिए, तो आ गया आपका सप्लायर नेम फ़ोन नंबर और सिटी, ये तीनों भी चीज़ें आपकी आ गई है ना। अब जो है हम क्वेरी को क्रिएट करेंगे डिज़ाइन व्यू में। हमने क्वेरी अभी जनरेट किए थे, क्वेरी को क्रिएट किया था विजार्ड के थ्रू जहाँ पे सब कुछ गिवन था, लेकिन अभी जो है हमें डिज़ाइन व्यू में हमारी क्वेरी को क्रिएट करना है। तो इसके कुछ स्टेप है। तो डिज़ाइन व्यू में क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो है कि आप पहले अपने ऑब्जेक्ट जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट होता है आपका, जैसे क्वेरीज है ना, क्वेरीज को आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट टाइप क्वेरीज इन द डेटाबेस। आपने सबसे पहले क्वेरीज को सिलेक्ट किया, उसके बाद में परफॉर्म द कमांड क्रिएट क्वेरी इन अ डिज़ाइन व्यू। बिगिनिंग में हमने तीन ऑप्शन देखे थे कि क्रिएट क्वेरी इन अ डिज़ाइन व्यू, क्रिएट क्वेरी इन अ विजार्ड, यूज़ द विजार्ड, है ना। तो उसमें से आपको क्या सिलेक्ट करना है, क्रिएट क्वेरी इन अ डिज़ाइन व्यू। उसके बाद में सिलेक्ट एंड एड द टेबल्स फ्रॉम विच टू रिट्रीव डेटा फॉर द रिजल्ट। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लिया, अब आपको क्या है टेबल सिलेक्शन करने के, किन टेबल पे आपको क्वेरी लेनी है, क्वेरी जनरेट करनी है। तो आप क्या करोगे, टेबल्स को सिलेक्ट करोगे और ऐड करते चलोगे, है ना। सिलेक्ट एंड ऐड द टेबल्स। उसके बाद टेबल सिलेक्ट करने के बाद में अब क्या है, टेबल की फील्ड को आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से फील्ड आपके क्वेरी में डिस्प्ले होनी चाहिए, है ना। तो सिलेक्ट द फील्ड्स दैट यू आर इंक्लूडेड इन अ क्वेरी रिजल्ट। अब यहाँ से आपने फील्ड भी सिलेक्ट की। उसके बाद में जो है क्राइटेरिया आपने सेट किया, सेट द क्वेरी क्राइटेरिया फॉर द फील्ड्स। आपने फील्ड के लिए क्राइटेरिया रख लिया और उसके बाद में क्वेरी को आपने सेव कर लिया। तो ये 6 स्टेप जो इन्वॉल्व होंगी जब भी आप क्रिएटिव डिज़ाइन व्यू में आप क्वेरी को क्रिएट करेंगे। पहली स्टेप तो है डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्वेरी को सिलेक्ट करो, उसके बाद में क्रिएट क्वेरी इन डिज़ाइन व्यू को सिलेक्ट करो, उसके बाद में टेबल्स को ऐड करो, उसके बाद में फील्ड्स को आप ऐड करो, उसके बाद आपने क्राइटेरिया रखो और उसके बाद में आपकी क्वेरी को सेव करो। तो ये 6 स्टेप में आपकी क्वेरी डिज़ाइन होती है। यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल दिया है कि आपको वो डेटा डिस्प्ले करना है जिनमें, जैसे यहाँ पे आइटम नाम का एक टेबल है और टू फेच दोज आइटम फ्रॉम द गिवन आइटम टेबल दैट हैव अ प्राइस इन अ रेंज 20,000 to 30,000 बोथ रेंज इंक्लूसिव। मतलब आपको जो प्राइस है वही डेटा वही आपको आइटम डिस्प्ले करने हैं जिनकी प्राइस रेंज 20,000 to 30,000 के बीच हो, या फिर जो दोनों भी है अपर एंड लोअर रेंज जो है दोनों भी इंक्लूडेड है, मतलब 20,000 वाले भी दिखेंगे और 30,000 वाले भी दिखेंगे। ओके, नाउ हियर आर स्टेप is the open database, we open our inventory database that contains item table। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके डेटाबेस को पहले ओपन करना है। डेटाबेस को ओपन करने के बाद में आपको जो भी आपका टेबल है जिसके ऊपर क्वेरी जनरेट करनी है वो वाला डेटाबेस आपको ओपन करना है। उसके बाद में डेटाबेस विंडो में से आप देख रहे हैं लेफ्ट पैन में आपको क्वेरी ऑप्शन दिख रहा है, क्वेरी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और राइट साइड में आप देखिए आपको दिख रहा होगा क्रिएट अ क्वेरी इन अ डिज़ाइन व्यू, इसको आपको सिलेक्ट
करना है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद में जो है आपका डिज़ाइन व्यू आपका ओपन हो जाएगा, क्वेरी डिज़ाइन डायलॉग बॉक्स आपका जो ओपन हो जाएगा, और उसके बाद में टेबल को ऐड करने के लिए वो कहेगा। सो इट विल ब्रिंग अ क्वेरी डिज़ाइन डायलॉग अलॉन्ग विथ विच यू वो विच विल यू विच यू विल सी अनदर डायलॉग ऐड टेबल और अ क्वेरी, है ना। तो इसके साथ ही क्वेरी डिजाइनिंग के साथ ही आपके साथ में ऐड टेबल का भी डायलॉग बॉक्स आएगा। अब यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से जो है आपको टेबल को सिलेक्ट करना है वन बाय वन, और सिलेक्ट करके ऐड करना है आपको जितने भी टेबल पे आप क्वेरी ले रहे हो, दो लेना है, तीन लेना है, वन बाय वन आप टेबल को ऐड सिलेक्ट करके ऐड करोगे और उसके बाद क्लोज कर दोगे यहाँ से, है ना। उसके स्टेप आपकी वही है, सिलेक्ट द डिजायर टेबल दैट इज आइटम्स फ्रॉम द डायलॉग एंड क्लिक द ऐड बटन, यही बताया। उसके बाद में यू में ऐड रिपीट दिस स्टेप टू ऐड मैनी टेबल्स यू वांट टू ऐड टू योर क्वेरी डिज़ाइन। तो आप दो मतलब और भी टेबल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जब आपको क्वेरी में और भी टेबल को ऐड करना हो। तो एक बार आपका ये एडिंग हो गया, टेबल एडिंग हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, क्लोज करना है, क्लोज कर देना है इस विंडो को, तो आप फिर डिज़ाइन विंडो में आ जाएंगे। इसके बाद आपके सामने देखिए, फिर आपको जो है उस डिज़ाइन विंडो में, क्वेरी डिज़ाइन विंडो में आपको अपर साइड में सिलेक्ट किए हुए टेबल्स दिखेंगे और बॉटम में उनके जो है जो भी प्रॉपर्टी आपको सेट करनी होगी, जो भी क्राइटेरिया पैरामीटर्स आपको देने होंगे वो आपको दिखाई देगा। तो देखिए, तो इन द टॉप सेक्शन यू कैन सी द टेबल्स यू एडेड, आप टॉप सेक्शन में जो भी आपने टेबल ऐड किए वो आप देख सकते हो, और बॉटम सेक्शन में आपको पैरामीटर्स दिखेंगे, मतलब जिसके अकॉर्डिंग हमको क्राइटेरिया सेट करना है या कंडीशन देनी है वो हमको पैरामीटर्स दिखेंगे। इन द बॉटम सेक्शन यू कैन डिजाइन अ क्वेरी पैरामीटर्स, है ना। देखेंगे बॉटम सेक्शन में जैसे कि फील्ड दिख रहा है, अलाइज दिख रहा है, टेबल दिख रहा है, ये सारी चीज़ें आपको, जैसे यहाँ पे क्राइटेरिया सेट करना है आप यहाँ से क्राइटेरिया सेट करेंगे, देखेंगे। नाउ इन अ बॉटम सेक्शन इन अ फील्ड रो सिलेक्ट द टेबल फील्ड इन इंक्लूडेड इन द क्वेरी। अब यहाँ से आपको फील्ड वाले में से यहाँ से आपको फील्ड सिलेक्ट करना है। फील्ड आपको यहाँ दिख रहा है आगे आगे, जैसे पहली फील्ड कौन सी चाहिए, दूसरी फील्ड कौन सी चाहिए, तीसरी फील्ड कौन सी चाहिए। अगर आपको आपने टेबल नेम डॉट स्टार सिलेक्ट किया, मतलब सारी की सारी फील्ड आएंगी। आगे बताती हूँ अभी आपको, ये देखेंगे। क्लिक इन द बॉक्स इन द फील्ड रो, क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो एंड देन सिलेक्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन एंड द डिज़ायर फील्ड, है ना। तो उन इस एरो पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन मेनू आएगा आपके सामने, डिजायर फील्ड को आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपको फील्ड चाहिए उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद अब देखेंगे यहाँ पे आपने, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे आइटम आईडी डाला, आइटम प्राइस टैक्सेबल, और अब यहाँ पे देख रहे हैं आप ऊपर दिख रहा होगा आइटम डॉट स्टार। आइटम डॉट स्टार का मतलब होता है कि ऑल फील्ड, जितने भी फील्ड है टेबल में सारी की सारी फील्ड इंक्लूड हो जाएगी उसमें। रिपीट द अबोव स्टेप, नेक्स्ट है रिपीट द अबोव स्टेप फॉर ऑल द डिजायर्ड फील्ड, सभी फील्ड के लिए ये स्टेप आप रिपीट करते रहिए। सिलेक्टिंग आइटम डॉट स्टार विल सिलेक्ट ऑल द फील्ड्स फ्रॉम द टेबल आइटम्स, यही चीज़ आपको बताई कि अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो ऑल फील्ड सारी फील्ड इंक्लूड हो जाएगी आपकी क्वेरी में। नेक्स्ट स्टेप टू स्पेसिफाई द क्राइटेरिया, अब नेक्स्ट हमने फील्ड को सिलेक्ट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, क्राइटेरिया को सेट करेंगे। तो हमारा क्राइटेरिया क्या था कि हमें 20,000 or 30,000 वाली प्राइस इंक्लूड करनी थी। अवर क्राइटेरिया ऑफ द रिकॉर्ड सिलेक्शन इन्वॉल्व द फील्ड प्राइस विच शुड बी इन द रेंज दैट इज 20,000 to 30,000। तो इन द क्राइटेरिया रो इन द बॉक्स इन द प्राइस फील्ड्स कॉलम टाइप क्राइटेरिया शोन बिलो। अब देखो यहाँ पे क्राइटेरिया आपको दिख रहा है, तो क्राइटेरिया में आप देख रहे हैं अच्छे से, या क्राइटेरिया में हमने डाला है ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 एंड लेस देन इक्वल टू 20,000। तो ये आपका कंडीशन हो गया, जो प्राइस ठीक देख रहे हैं आप, प्राइस के फील्ड के नीचे ही आपने ये सेट करना है क्या कि ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 एंड लेस देन इक्वल टू 20,000। We want the result to be a sorted in ascending order of a price. अभी हमको ये price का ही sorted manner में चाहिए है, तो हम जो है इनका sorting वाले field में जाके, sorting वाले row में जाके हम जो है इनका sorting order set करेंगे, है ना। तो ascending order of a price, so under the price field column in a sort row में जाके हमको क्या करना है, ascending select करना है। Click the down arrow and select the desired sort field, देख रहे हैं आप यहाँ पे, आपको दिख रहा है down arrow से आप यहाँ पे ascending descending आपको दिख रहा है, यहाँ से आपको एसेंडिंग को सिलेक्ट एंड सिलेक्ट द डिजायर्ड सॉर्ट ऑर्डर। तो एसेंडिंग आप यहां से सिलेक्ट करेंगे। नाउ सेव योर क्वेरी बाय क्लिकिंग द कमांड
फाइल सेव। अभी सभी स्टेप हो गए, क्राइटेरिया आपने दे दिया, सॉर्टिंग ऑर्डर आपने दे दिया, अभी आपको जो है आपकी क्वेरी को सेव करना है। तो फाइल में जाके आप सेव करेंगे, आप अपनी क्वेरी को नाम देंगे और ओके करेंगे, है ना। तो जैसे यहाँ पे डिज़ाइन विंडो में बाय स्पेसिफाइंग द क्वेरी नेम दिया है यहाँ पे, वी स्पेसिफाइड अस क्वेरी नेम एज अ आइटम अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर प्राइस अंडरस्कोर रेंज, तो ये हमने क्वेरी को नाम दे दिया। इस तरीके से हमारी क्वेरी जो है वो सेव हो गई है। नाउ क्लिक द क्लोज बटन टू क्लोज अ क्वेरी डिजाइन विंडो। अभी क्लोज बटन पे क्लिक कर देना है। इन द मेन डाटाबेस विंडो अंडर द क्वेरीज ऑब्जेक्ट इन अ डाटाबेस पैन वी कैन सी, यू कैन सी योर क्वेरी नेम डिस्प्ले। अब देखेंगे आप यहाँ पे क्वेरी क्वेरी को आप क्लिक करेंगे, क्वेरी को क्लिक करने के बाद मैं आपको देखो आपने इस नाम की क्वेरी क्रिएट की थी अभी, आइटम अंडरस्कोर प्राइस इन रेंज, वही वाली क्वेरी क्रिएट की थी। आप इसको सिलेक्ट करके डबल क्लिक करके आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सी डबल क्लिक ऑन द नेम क्रिएटेड क्वेरी एंड द बेस विंडो वी शो द रिजल्ट ऑफ द क्रिएटेड क्वेरी। तो हमने उस क्वेरी के नाम के ऊपर डबल क्लिक किया तो आपका ये जो क्वेरी रिजल्ट था वो अभी आपको शो हो रहा है।